Hello guys and welcome back to my last episode of this season. Kashtanwar Merchant Navy welcomes you and हमने काफ़ी सारी बातें करी इस सीज़न में और आई होप कि आप सबको उससे हेल्प भी मिली होगी और अगर नहीं मिली तो आई एम रियली वेरी सॉरी. चलिए गाइज, आज हम बात करेंगे सिर्फ उन सब चीज़ों के बारे में जो हमने इस एपिसोड्स में सीखी, मेरे सीज़न वन में सीखी. तो गाइज, सबसे पहले वही है राइट क्वालिफिकेशन. आप सब अपना क्वालिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अगर आपको आगे कभी इस फील्ड में आना है जिसमें मैं करंटली हूँ. और मुझसे मिलिए, मुझे फेसबुक पे फॉलो कीजिए या इंस्टा पे फॉलो कीजिए, व्हाट्सएवर यू वांट. सो इंस्टा की आईडी और फेसबुक की आईडी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा. ओके गाइस, तो अपने फिटनेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो. ये सब चीज़ों को दिमाग में रखिए और आप लोग सोशल लाइफ से थोड़ा सा दूर हो जाओगे कुछ टाइम के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जैसे भी एक्स वाई जेड वट एवर यू डिसाइडेड टू डू. एंड गाइज, अपनी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड को एकदम पॉजिटिव रखिए, अपने एटीट्यूड को भी नेगेटिव मत रखिए, पर्सनैलिटी को भी नेगेटिव ना रखिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और आपका एटीट्यूड ही है जो आपको बचा के रखता है आगे आने वाली प्रॉब्लम से. सो गाइज, जॉब श्योरिटी ज़रूर लीजिए और हाई इनकम आपको है ही इसमें, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है. अगर इन केस आप स्टार्टिंग में थोड़ा कम भी कमा रहे हैं तो गाइज़ प्लीज़ डोंट थिंक कि मैं इसके आगे नहीं जा पाऊँगा या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. आप लोग आगे जाओगे यार, मेहनत करने वालों कभी हार होती है क्या? नहीं होती ना. तो फिर तो गाइज़ सब कुछ होगा, टैक्स फ्री आपकी इनकम है यहाँ पे, जैसा कि मैंने इस सीज़न में बताया है, आप लोगों की टैक्स फ्री इनकम है, जितना भी आप अर्न करोगे वो सब टैक्स फ्री है, तो आपको वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने भी देखा कि यार ये लोग घर से दूर रहते हैं 6 महीने 8 महीने, तो इतनी मेहनत की इनकी कमाई है तो उसको क्यों उन पर टैक्स लिया जाए, तो इस वजह से उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया इनकम. एंड गाइज, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना भूल गया था पिछले एपिसोड्स में, कि आप फैमिली को भी लेके आ सकते हो यहाँ पे, फैमिली ऑन बोर्ड आ सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है. बट अगेन, उसके लिए आपको मतलब वो सर्कमस्टांसिस कम्प्लीट करने पड़ेंगे. टॉप 4 रैंक्स को ये फैसिलिटी अवेलेबल है फैमिली लाने की. फैमिली में मतलब आपकी वाइफ, आपके किड्स ये आते हैं और इनको आप ला सकते हैं. ये सब कंपनी बॉन्ड करेगी इसका जो भी एक्सपेंस रहेगा. तो गाइज, फैमिली को भी आप लेके आ सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग ना. हाँ, तो चलिए आपको आगे बताते हैं. आज का एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि ये मेरा लास्ट एपिसोड है इस सीज़न का, उसके बाद मैं ब्रेक ले रहा हूँ. तो आई थिंक नेक्स्ट मंथ फरवरी या मार्च में मैं वापस से ऑन आ सकूँगा यूट्यूब पे, और उस टाइम पे अपना रियल वीलॉग वगैरह जो भी है अबू धाबी वगैरह के बारे में जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, तो वो सब आप लोगों को दिखाऊंगा इसमें. तो गाइस स्टे ट्यून्ड और मुझे कमेंट में बताइए यार आपको कैसा लगता है चैनल, आपको क्या जानना चाहिए, तो मैं आप सबकी हेल्प कर सकूं, जो कि मेरा मेन पर्पज़ है वीडियो बनाने का. ओके गाइस, चलिए आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ ले चलते हैं. सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने यहाँ पे काम कर लिया, अपना एक्सपीरियंस हो गया, आपको सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या सर? उसके बाद आप लोगों को मिलती है लॉन्ग वैकेशंस. एक लॉन्ग वैकेशंस यानी कि आपको 1 महीने की 2 महीने की ऐसे छुट्टी मिलती है. और अच्छी बात ये है कि उसमें आप कुछ भी करिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपका ऑलरेडी आपने अपना काम कर लिया है एंड यू अर्न योर मनी, सो देर इज़ नो बिग डील ऑन दैट वट एवर यू डू. सो इट्स अ ग्रेट वैकेशन एक्सपीरियंस गाइज, अगेन इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और वैसे भी आप सबको यहाँ पे फ्री रहता ही है, जो भी ट्रैवल वगैरह होता है उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता. जितने भी आपकी फ़्लाइट टिकट्स है, खाना पीना है, वो सब कंपनी पे करती है. यानी जब तक आप घर नहीं पहुँच जाते आपका सारा एक्सपेंस जो है वो कंपनी ही पे करती है. सो आपको खाली अपने जो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपके आसपास है उसके बारे में आपको उन्हें बताना होता है, एंड देन वो सारा चीज़ वो लोग कवर करते हैं. एंड गाइस, द मेन थिंग आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट और यूनिफॉर्म के बारे में सिखाया जाता है, कि जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं उसके लिए आपको प्राउड होना चाहिए, क्योंकि उस लायक आप बने हैं इतनी मेहनत करने के बाद. तो गाइस, रिस्पेक्ट भी काफ़ी मिलती है आपको. घर पे भी आप जाते हैं तो सब लोग आपको बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं, कि यार इसने चलो अपना जो भी है ये टाइम पूरा करके आया है एंड अच्छे से इसने किया है. सो एक प्राउड मोमेंट होता है हर एक माँ बाप के लिए जब उसके बेटे का सिलेक्शन हो जाता है मर्चेंट नेवी में और वो अच्छी तरह अर्न करने लग जाता है. सो उससे बड़ी बात मेरे हिसाब से तो कोई होती नहीं है. और गाइस, प्योर एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पे, कोई पोल्यूशन नहीं रहता. सबसे बड़ी बात ये एकदम आपको जो भी है सारे प्रोफेशनल्स मिलते हैं, जो खाना आप खाते हैं वो भी प्रोफेशनली होता है. प्रॉपर एयर कंडीशनिंग रूम होते हैं, एसी रूम्स होते हैं इस पे वेसल्स पे, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. और मतलब आप सिर्फ काम ही तो करना होता है यार, तो उतना इशू नहीं है. और सबसे बड़ी बात, पॉलिटिक्स नहीं होती गाइस, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों से मैं भी मिलता रहा हूँ. मैं भी जितने लोगों के साथ काम करता हूँ सारे मतलब प्रोफेशनल्स रहे हैं और अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, तो गाइस बहुत अच्छी तरह से हमारे यहाँ पे बातें होती है, हंसते हैं, सारी बात होती है. वो आपको नेक्स्ट सीज़न 2 के इंटरव्यूज़ में मैं आपको दिखाऊंगा ही. सो आप वैसे भी इससे भी आप आइडिया ले लीजिए. तो गाइस बहुत अच्छा होता है, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं.
और कलीग्स एंड बॉसेस जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो सभी मेहनत करके आए होते हैं, तो उन्हें पता होता है, वो तुम्हें हर एक चीज़ सिखाते हैं जो तुम्हें जानने के लिए ज़रूरी होता है, तुम्हें बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे करो, वो चीज़ ऐसे करो, इस इंजन के बारे में ये है, इस इंजन के बारे में वो है, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें उसके बारे में बताते हैं, तो इतना टेंशन की बात नहीं है। प्लस आप बाहर घूमने के लिए भी आप लोगों को मिल जाता है, तो आप बाहर घूमो, एंजॉय करो, इट्स लाइक अ हॉलीडेज यार, बस वो हॉलीडेज में थोड़ा काम करना पड़ता है, दैट्स ऑल। और काफ़ी चीज़ों को सोचने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम ही टाइम होता है, तो हम लोग उसमें पढ़ाई करते हैं या बुक्स पढ़ते हैं जो हमें आगे जाने के लिए अच्छा रहता है। ड्यूटी 6 आवर्स की होती है, तो 6 आवर्स ऑन 6 आवर्स ऑफ, कई जगह पे 12 आवर्स ऑन 12 आवर्स ऑफ ऐसी ड्यूटी रहती है, तो मेरी जनरली 12 आवर्स ऑन 12 आवर्स ऑफ है, तो ऑफ टाइम में मेरे को काफ़ी टाइम मिल जाता है जिसमें मैं पढ़ाई कर सकता हूँ और अपना स्टडीज़ के बारे में जान सकता हूँ और मेरी फील्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे पता होना चाहिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं मैं, और मेरी सैलरी जो है वो अराउंड 5-6 लाख रुपीज़ पर मंथ हो जाए, तो गाइस धीरे धीरे मैं उसके क्लोज जा रहा हूँ, होपफुली अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। और गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी वर्किंग एक्सपीरियंस आपको होता है, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको जल्दी उठना है, तो गाइस मतलब अपना जैसा भी है, अगर आप टाइम टू टाइम सो रहे हैं तो रेस्ट आवर्स जो है वो अच्छी तरह मिल जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है उनका। बस यही है कि गाइस आपको 7 डेज वर्क करना पड़ता है, मंडे टू संडे आपको काम करना पड़ता है, इफ़ यू गेट माई पॉइंट, तो बस वही है थोड़ा सा जो इसका डीमेरिट मेरे को एक लगा कि आपको हर टाइम, लेकिन वो एक रूटीन में आप आ जाते हो धीरे धीरे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। प्लस आपको थोड़ा सा होम सिकनेस होता है, घर की थोड़ी कभी कभी याद आ जाती है, जैसे मेरे को, तो वैसे मैं प्रोफेशनल हूँ सारी चीज़ें, लेकिन मुझे भी कभी कभी घर की याद आ जाती है, तो मैं भी मिस करता हूँ पेरेंट्स को, बट चलो कोई बात नहीं, वैसे भी उनके पास तो जाना ही है। अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी 4 महीने का हो गया है, 4 महीने 3 महीने ऐसा हो गया है, तो मेरे को ऐसा इशू नहीं है, तो मैं घर जा सकता हूँ, ऑलरेडी मेरा वीज़ा वगैरह सब लग चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेट्स सी आगे भी चलती रहे गाइस, तो यही है। और आपको इमीडिएट हेल्प नहीं मिल सकती, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपको हो गई तो उसमें आपको कोई हेल्प फटाफट नहीं मिलेगी, यू हैव टू कीप काम। वैसे तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह भी रहते हैं, जो MBBS रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं वो भी हैं हमारे पास, लेकिन गाइस फिर भी वी कॉन्ट टेक एनी रिस्क, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले इंडिया में ही अपना चेक करवाइए, अपना सब कुछ करवाइए, ताकि आपको यहाँ पे, वैसे तो वैसे आपका मेडिकल भी होता है हर टाइम, जब भी आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपका मेडिकल होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जो मेडिकल में शो नहीं होती, एंड वी हैव टू फेस इट हियर, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग वर्स, जस्ट बी प्रिपेयर्ड, इट्स अ वेरी 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 गुड लाइन एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड लाइन, अगर कुछ भी हो सकता है आगे हमें नहीं पता, तो ऐसा ही है गाइस, स्टडी नेवर एंड्स, अपना पढ़ाई कीजिए अच्छे से, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अभी आपको बहुत आगे जाना है गाइस, क्योंकि आपने जो लाइन चूज़ कर ली है अभी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर छोड़नी पड़ जाएगी तो ये सब वेस्ट हो जाएगा यार, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं है। एंड गाइस वही है, खाना पीना में क्या रहता है, वेजिटेरियन हो आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन वेज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर तरह का खाना यहाँ पे दिया जाता है, और मतलब काफ़ी प्राउड होता है यार यहाँ पे काम करके, ऐसा लगता है जब ड्यूटी ख़त्म होती है तो ऐसा लगता है वाह आज का दिन ख़त्म, मेरी सैलरी अर्न कर ली मैंने, और अभी बढ़िया खाना खाऊंगा, बढ़िया पीऊँगा खाऊंगा, और डांस वगैरह जो भी आपको करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो मतलब आपका रूम रहता है उसमें आप कुछ भी करिए, तो गाइस ऐसा है। और जिमिंग वगैरह की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी दी हुई है, हर तरह की यहाँ पे वेट मशीन सब चीज़ है, और अभी मैं वैकेशन पे जाने वाला हूँ तो अच्छा है, देखते हैं आगे आपको क्या क्या दिखाता हूँ मैं अबू धाबी के बारे में, लेकिन गाइस वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर मेरी वीडियोस को लाइक मिलेंगे, शेयर मिलेंगे, सब्सक्राइब मिलेंगे, तो गाइस आपके ऊपर, अगर आप लोग करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो भी कोई बात नहीं है, और मेरा तो क्या है, हम तो बस आप लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं, तो जितने तक ये वीडियो पहुँचेगी उनकी अगर कुछ हेल्प हुई होगी तो दिल से थैंक्स बोल देना गाइस, या फिर कमेंट कर देना, तो जस्ट यही है। और ये लास्ट सीज़न था मेरा, और इसके बाद अभी फेबर या मार्च में अगर पॉसिबल हुआ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छे मिले तो ही मैं नेक्स्ट व्लॉग वगैरह जो है वो लेके आऊँगा, अदरवाइज दिस इज़ द एंड फ्रॉम माय साइड, एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, आप लोगों के व्यूज़ देख के मुझे यहाँ पे बहुत खुशी मिलती है, और आप लोगों के आंसर मैं दे पाऊँ और ऐसा इस टाइप का बन पाऊँ कि आपके सारे आंसर दे सकूँ, तो गाइज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है या कुछ भी है, जस्ट फॉलो मी एंड आई विल हेल्प यू। सो गाइज आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आज की वीडियो आपको देखने के लिए बहुत 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 थैंक्स, एंड कोई भी क्वेश्चन है तो उसको डालिए, और
मुझे थोड़ा गाइड कीजिए कि आपको किस टाइप की वीडियो ज़्यादा पसंद है। अगर वीलॉग्स पसंद है तो मैं वीलॉग्स में जो क्या क्या आप लोगों को चाहिए वो सब। एंड गाइज, एक नई न्यूज़ अभी आई है कि गर्ल्स भी इंडिया में मर्चेंट नेवी कर सकती हैं, और अगर उसके रिगार्डिंग आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। अगर मेरे पास टाइम हुआ और सारी चीज़ हुई तो मैं उस पर भी डाल दूंगा। और गर्ल्स कैन ज्वाइन दिस फील्ड एंड इट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर अस, बिकॉज हमारी छोरियाँ छोरों से कम है कि, तो गाइज एज यू ऑल नो नहीं है। तो उसके बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। अभी मेरे को सिर्फ ये रिसेंट न्यूज़ मिली है मेरे फ्रेंड्स वगैरह से, तो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी। तो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई लास्ट एपिसोड नंबर 10 सीजन 1। जिसे नहीं देखा है वो सारे एपिसोड्स देख लो गाइज, इसमें 10 एपिसोड मैंने डाले हैं सीजन 1 में। ओके गाइज, सी यू, टाटा, बाय बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर।